मैं अब बिला किसी ताखीर के हमारे इस मजलिस के सदर और उनके सदारती खिताब के लिए मैं हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ और हमें नवाजें। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين। علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء عزیز, آج مجھے اس کی بڑی خوشی ہے कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैनेडी हॉल में मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस हॉल में मुतअद्दिद बार मुझे खिताब का मौका मिला है। आज आपने जिस उन्वान के तहत यह इजलास मुनक़िद किया है कि तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है, ये ऐसा मौजू है जो आपसे फ़ालियत, हरकियत, डायनेमिज्म का मुतालबा करता है। ये मौजू सिर्फ फिक्री नहीं है, सिर्फ नज़रियाती नहीं है, सिर्फ अमली नहीं है, सिर्फ तरबियती नहीं है, ये एक जामे तरीन मौजू का उन्वान है। ये इस्लाम के आखिरी एडिशन का पैगाम है, यह आखिरी नबूवत का पैगाम है, यह अल्लाह की आखिरी किताब का ऐलान है और यह आखिरी दीन का मिशन है। अल्लाह ने फरमाया था, हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले वलव करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने अपने पैगंबर को हिदायत देकर और दीन बरहक देकर इसलिए भेजा कि अल्लाह उनको और उनके दीन को तमाम अदियान पर गालिब फरमा दे, चाहे शिर्क करने वालों को कितना ही बुरा लगे। अल्लाह जो इस संसार का मालिक है, जिसने इस धरती को वजूद अता फरमाया है, आकाश जिसका है, इंसान जिसके हैं, जिन जिसके हैं, चरिंद और परिंद और दरिंद जिसके कब्जे में है, और कायनात का जर्रा जर्रा जिसके तसर्रुफ में है, उसका फैसला है। उसके फैसले पर कौन सवाल करने वाला है, कौन एतराज करने वाला है, कौन जबान खोलने वाला है, किसको यारा है इसका कि वो खुदा ताला के फैसले के बारे में कोई राय दे सके। उसका हर फैसला आखिरी। उसने इंसान अव्वल को, आदम को वजूद अता फरमाया अपनी खिलाफत के लिए, आदम को वायसराय बनाया, आदम को अपना नुमाइंदा बनाया, अपना तर्जुमान बनाया। हम सब के वो जद्द अमजद हैं। पहला इंसान जो इस रूए जमीन पर जन्नत से उतारा गया वो आदम है, और जब हम आदम का नाम लेते हैं तो पूरी इंसानियत का हवाला देते हैं। फिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख और जैनी और बुद्धिस्ट और मजहबी और गैर मजहबियों की तफरीक थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है, बात पूरी इंसानियत से होती है, हर मुल्क से और मुल्क के हर सूबे से और हर जिले से और हर शहर से और करिए से होती है, हर फर्द से होती है, हर औरत से, हर मर्द से, हर जवान से, हर बच्चे से, हर बूढ़े से होती है। एक ऐसा उमूमी खिताब जो दुनिया की किसी किताब में नहीं, एक ऐसा उमूमी खिताब जो किसी भी साबिका पैगंबर की जबान पर नहीं आया। सारे नबी, सारे रसूल इस पैगाम के मुंतजिर थे और आखिरी नबी की पेशीन गोइयां कर रहे थे। बाइबल भी उसी का तज़किरा कर रही थी और वेद भी और जन दोस्ता भी
और जरदश्त और कन्फ्यूशस और बुद्धा की किताबें उसी आखिरी नबी की तलाश में थी। उसका इंतजार करते हुए लोग दुनिया से गए और ये कहते हुए गए कि वो आखिरी नबी आएगा और आखिरी पैगाम लाएगा। तो आखिरी नबी आया और उसने लोगों से यह कहा, या अय्युह الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون। ए तमाम इंसानों सुन लो, ए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, यहूदियों, बुद्धिस्टों, कम्युनिस्टों और काफिरों और मुनकिरों, सब सुन लो कि अपने परवरदिगार की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले जितनी नस्लें वजूद में आई उन सबको पैदा किया ताकि तुम उसकी गिरफ्त से, उसकी पकड़ से, उसके अजाब से बच सको। ये आखिरी पैगाम है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुनाया गया और सिर्फ मक्के वालों को या मदीने वालों को या अरब वालों को नहीं सुनाया गया, पहले इंसानों के बारे में ये इरशाद फरमाया गया, या अय्युह الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير। ए इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ खानदानों और कबीलों और बिरादरियों में इसलिए तकसीम किया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। तुम्हें सबसे ज्यादा बाइज्जत वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला और उसके अहकाम का लिहाज रखने वाला है और अल्लाह हर बात को जानता है, हर चीज से बाखबर है। पूरी इंसानियत के सामने ये पैगाम कभी भी किसी साबका किताब में इतनी कुव्वत के साथ और इतनी वजाहत और सराहत के साथ पेश नहीं किया गया। खिताब किसी महदूद तबके को नहीं हो रहा है, पूरी इंसानियत को मुखातब करके ये बात इरशाद फरमाई गई है कि तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया गया है। क्या इसका इनकार ब्राह्मण कर सकता है, वेश कर सकता है, खत्री कर सकता है, शूद्र कर सकता है, अछूत कर सकता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कर सकते हैं? क्या इसका इनकार क्रिश्चियंस और ज्यूस कर सकते हैं? क्या इसका इनकार दिमाग में अकल रखने वाला और धड़कता हुआ दिल रखने वाला कोई बाशूर इंसान कर सकता है? जाहिर है कि जिस इंसान के अंदर जमीर है और उसके सर में दिमाग है और उसके सीने में धड़कता दिल है और उसके अंदर शूर और एहसास है, वो इसका इनकार नहीं कर सकता। और ये उसको मानना पड़ेगा कि जितने भी भेदभाव इंसानों के दरमियान किए गए और ऊंच नीच के बुत तराशे गए और इंसानों के दरमियान जितनी दीवारें कायम की गई और इंसानों में छूत छात की खुराफात जो पैदा की गई, ये सब जालिमों की तरफ से, सितमगरों की तरफ से, इस्तेहसाल करने वालों की तरफ से और मुजरिमों की तरफ से पैदा की गई, जिन्होंने हिंदुस्तान को तबकाती निजाम में तकसीम करके किसी को ब्राह्मण की कुर्सी पे बिठाया और किसी को शूद्र के काम में लगाया। वो मुजरिम थे, वो जराइम पेशा इंसान थे जिन्होंने इंसानों के दरमियान वो तकसीम की जिससे इस संसार का मालिक राजी नहीं है और इस दुनिया में भेजे जाने वाले पैगंबर राजी नहीं है, नबी राजी नहीं है, सच्चे संत और महंत राजी नहीं है, सूफी और दरवेश राजी नहीं है, अल्लाह के नेक और साले बंदे राजी नहीं है। और इन तमाम तकसीमात को ठोकरों में मारते हैं और इन तमाम तकसीमात का इनकार करके ये कहते हैं कि या अय्युह الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم। ए तमाम इंसानों, एक मर्द और एक औरत से तुमको पैदा किया गया है, लिहाजा इसका कोई इम्कान नहीं है कि ज्यूज ये कहें कि हम सिलेक्टेड वंस हैं, सारे जेंटाइल्स हैं और हम सिलेक्टेड हैं। इसी तरह ब्राह्मणों को यह हक नहीं है कि वो कहें कि हम तो इख्तदार के लिए हैं, खिदमत के लिए दूसरे लोग पैदा किए गए हैं। और इसी तरह सैयदों को और खान साहबान को यह हक नहीं है कि वो ये कहें कि कुर्सी के हकदार हम हैं और बाकी जो बिरादरियां
है, उनका काम खिदमत करना है। ये सारी की सारी बातें खुदा ताला के पैगाम का इनकार है और पैगंबरों का इनकार। मेरे साथियों और दोस्तों, आज की मौजूदा दुनिया जाहिली दुनिया है। आज की मौजूदा दुनिया में जितने ज़्यादा तालीम के इदारे बढ़ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जहल बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा नादानी बढ़ रही है, उतना ही ज़्यादा जुल्म बढ़ रहा है, उतना ही इस्तेहसाल बढ़ रहा है, उतना ही करप्शन बढ़ रहा है। और अगर आप मुझसे दलील चाहें तो सच्ची बात यह है कि सूरज के निकलने के बाद सूरज की दलील मांगना ही खुद सूरज को मुँह चिढ़ाना है। आप जानते हैं कि आज दिल्ली की सड़कों पर करप्शन के खिलाफ जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर मुजाहरे पर मजबूर नहीं हुए, बल्कि इस मुल्क के ऊपर से नीचे तक करप्शन की सूरत हाल को देखकर बेचैन होकर मैदान में आकर ये कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। करप्टेड वजीर हैं, करप्टेड MLAs हैं, करप्टेड MPs हैं, करप्टेड ऊपर से बड़े ओहदे के जिम्मेदार और मामूली चपरासी करप्शन के शिकार हैं। और करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि वो माल हासिल करना चाहते हैं, हलाल और हराम की तमीज उठ गई है, रिश्वतें खाते हैं और किसी न किसी उनवान से दौलत लूटते हैं और वो अजहे बनकर बैठे हुए हैं, पुकारे मार रहे हैं। सिर्फ मसला माल का नहीं है, अखलाकी एतबार से करप्टेड हैं, उरिया हैं, बदकार हैं, मजहब के लबादे ओढ़ने वाले भी अंदर से अपनी निजी जिंदगी में और अपने खलवत खानों में मुजरिमाना जिंदगियां गुजार रहे हैं। सूरत हाल ये है कि ईसाई दुनिया का मजहब दम चोड़ तोड़ चुका है और वेटिकन के पोप साहब इस्तीफे पर इसलिए मजबूर हुए कि फादर्स की और कलीसा के जिम्मेदारों की जिंदगी अखलाकी एतबार से करप्ट हो चुकी है और इसीलिए कलीसा खाली हो चुके हैं और वो कभी बिकते हैं तो मस्जिद बनते हैं, कभी अस्पताल बनते हैं और कभी हॉस्टल बन जाते हैं। और यही सूरत हाल, यही लानत यूरोप से हमारे इस मुल्क में भी आ रही है, तो सूफी और संत और महंत भी अंदर से करप्टेड होते चले जा रहे हैं। वो दौलत के भी शिकार हैं और हवस के पुजारी हैं। इस तरह पूरा माहौल ऊपर से नीचे तक बिगड़ा हुआ माहौल है। ये जाहिलियत का वो माहौल है जिसमें जुल्म अगर कभी किसी जमाने में सिर्फ गुलामों पर हुआ करता था तो अब जुल्म आजाद लोगों पर हो रहा है, मुल्कों पर हो रहा है, औरतों पर किया जा रहा है, बूढ़ों पर हो रहा है, बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। अब इंसानों के पास वो फिजाई ताकत आ गई है जिसके बलबूते पर वो जहन्नमी हथियार इंसानों की आबादियों पर बरसाते हैं और शहरों को खडर बना देते हैं और आबादियों को कब्रिस्तान बना देते हैं। आपको मालूम ही है कि अफगानिस्तान में अभी करीब के अरसे में 10 लाख इंसानों को 10 सालों की मुद्दत में खंडर में तब्दील कर दिया गया, घरों की छतें उन पर गिरा दी गईं, बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर। किस जुर्म में? उनका जुर्म कोई नहीं था। जिसके बारे में जुर्म की बात कही गई उसका जुर्म भी नहीं था। मुजरिम वो थे जो बमों की बारिश करने वाले और नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम बरसाए गए, उनसे भी ज्यादा खतरनाक बम बरसाने वाले जिन्होंने चटियल इलाकों और पहाड़ी इलाकों के चिथड़े उड़ा दिए, जिन्होंने इंसानियत का मजाक किया, तहजीब का मजाक उड़ाया, जिन्होंने पूरी इंसानी आबादियों को मलबों में तब्दील करने की ठानी, जिनकी इब्तिदा तारीख की 16वीं सदी में रेड इंडियंस के लाखों आदमियों को मारने से हुई थी और जिन्होंने ये तजुर्बे कभी वियतनाम में किए, कभी जापान में किए, उनको अपने इन तजुर्बों से आसूदगी नहीं हुई, उनकी प्यास नहीं बुझी, आदमखोर भेड़िए मजीद इंसानी खून के प्यासे रहे और उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन पर लाखों का खून बहाया और फिर इराक की सरजमीन पर झूठ बोल कर, मकर करके, हर तरह के झूठे इल्जामात लगाकर वहां ईंट से ईंट बजाई और 8 से 10 लाख इंसानों का खून बहाया। और जब उनके खून के बहाने के बाद उनको निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उन्होंने शिया और सुन्नी झगड़ा इस शिद्दत का खड़ा कर दिया कि चैन से इराक में एक दिन और एक रात वहां की आबादी को गुजारने का मौका ना मिले।
सूरत हाल आज के दौर की जाहिलियत की है। एक दौर था छठी सदी ईस्वी का, सातवीं सदी ईस्वी का, जिस वक्त दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम थी। एक तरफ पर्शियन ब्लॉक था और एक तरफ रोमन ब्लॉक था। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जुल्म से जारो नजार थी। जुल्म औरतों पर, जुल्म गुलामों पर, जुल्म अवाम पर। टैक्सेस के बोझ लाद कर अवाम को चूसा जा रहा था और उनके इख्तियारात सब खत्म करके मालिकाना और डिक्टेटराना इख्तियार हासिल करके कहीं किसरा और कहीं कैसर बैठा हुआ था। ये वो सूरत हाल थी जिस सूरत हाल में अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हुआ, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। जमीन में करप्शन गालिब आ चुका है, खुशकी में भी और तरी में भी, और ये सब इंसानों के करतूतों का नतीजा है और अल्लाह उनको सजा देना चाहता है, उनके करतूतों की सजा का मजा चखाना चाहता है ताकि फिर वो हक की तरफ पलट कर वापस आएं। ये वो मंजरनामा था, ये वो सूरत हाल थी दुनिया की सियासत की, दुनिया के समाज की, दुनिया की हुकूमतों की, दुनिया के अवाम की, दुनिया के तालीमी इदारों की, दुनिया के लिटरेचर की। छठी सदी और सातवीं सदी ईस्वी का ये वो मंजर था जिस मंजर के बीच में अल्लाह की तरफ से यह फैसला फरमाया गया कि अब आखिरी नबी पूरी दुनिया के लिए बरपा कर दिया जाए। नया दौर जो आने वाला है वो साइंस का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, फजाई दौर होगा, सैयारों का, सितारों की दरियाफ्त का दौर होगा, सैटेलाइट का दौर होगा। दुनिया करीब आ जाएगी, मसाफतें सिमट जाएंगी, फासले खत्म हो जाएंगे, लोग हजारों मील की दूरी से लोगों से बात करेंगे, उनकी तस्वीरें देखेंगे और ऐसा लगेगा जैसे एक ही कमरे में बैठे हैं और आमने सामने गुफ्तगू हो रही है। अब चूंकि वो दौर आने वाला है और अल्लाह को ये मालूम था, इसलिए अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ कि अब आखिरी नबी आ जाना चाहिए। अब हर हर इलाके के नबी की जरूरत बाकी नहीं रह गई, अब जरूरत कादियान में किसी नबी की बाकी नहीं रह गई, अब जरूरत किसी खास मुल्क या खास इलाके में नबी को बरपा करने की बाकी नहीं रह गई, अब वो आखिरी नबी आ जाना चाहिए। दुनिया जिसकी मुंतजर थी और जिसकी खुशखबरियां पैगंबर देते चले आ रहे थे उसका जहूर होना चाहिए। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को ख़त्म फरमाने वाले हैं। उन्होंने मोहर लगा दी अंबिया और पैगंबरों के सिलसिले पर, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और अगर कोई भी अपनी नबूवत का उनके बाद दावा करे तो वो दज्जाल होगा, मक्कार होगा, झूठा होगा, फितना परवर होगा। और उनके अलावा अगर किसी और तालीमात का कोई हवाला दे और उसको मर्जा बताए, कुरान की जगह किसी और किताब को पेश करे और हदीस नबवी की जगह किसी और गुफ्तगू को पेश करे तो अपने अपने वक्त का वो दज्जाल होगा। और इंसानियत को मालूम हो जाना चाहिए कि अब ऐसे दज्जालों की रोटी अब नहीं चलने दी जाएगी, उनके रास्ते रोके जाएंगे और ये उम्मत पूरी बेदारी के साथ पूरी दुनिया के लिए पैगाम लेकर उठेगी। तो आखिरी नबी का ऐलान फरमा दिया गया, आखिरी पैगाम का ऐलान कर दिया गया, इंसानियत की वसअत और उमूमियत का ऐलान कर दिया गया, हर तरह के भेदभाव को खत्म कर दिया गया। और यह तहरीक कैसे शुरू होगी? फरमाया गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इक्रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिलकलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ो अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान है और बहुत करम फरमा है। पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया,
जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बहुत कुछ अता फरमाने वाला है, जिसने कलम के जरिए सिखाया और इंसान को वो सब कुछ सिखाया जिससे इंसान वाकिफ नहीं था। ये एजुकेशनल सिस्टम है जो आखिरी नबी को नबूवत के आगाज में दिया गया। मिशन कैसे शुरू होगा, काम कैसे शुरू किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहली जरूरत इल्म की है। और इल्म लोगों में कैसे मुंतकिल होगा, इसके लिए जरूरत तालीम की है। दोनों चीजों का ख्याल पूरी तरह करना पड़ेगा कि एक तरफ इल्म का को मुतय्यन करना होगा और दूसरी तरफ इसी के साथ साथ तालीमी निजाम को बर्पा करना होगा। तो ये तालीमी निजाम बर्पा किया गया कि जो इल्म भी इस दुनिया में है वो अल्लाह अलीम व खबीर की तजल्लियात का अक्स है, वो अल्लाह के इल्म का एक नमूना है। जमीन का इल्म हो या आसमान का हो, फलकियात का इल्म हो या तबीयात का हो, हैवानात का इल्म हो या इंसान का हो, समंदरों का इल्म हो या बादलों का हो, फिजाओं का इल्म हो या जमीन की तहों का हो, सयाल मादों का इल्म हो या जामिद चीजों का हो, साइंस के उनवान से जितने भी मजामीन पढ़ाए जाते हैं ये सब अल्लाह के पैदा करदा हैं और अल्लाह उनका खालिक है और अल्लाह उनका मालिक है और अल्लाह उनका मूजिद है। अल्लाह के जरिए अल्लाह की कुदरत से जर्रा बना और पानी का कतरा बना और आसमान का सितारा बना और दमकता सूरज बना और चमकता चांद बना और चींटी से लेकर हाथी और गेंडे तक जानवर तैयार हुए और मछलियां तैयार हुई। हर चीज जाहिर है कि कुदरत खुदावंदी का एक नमूना है जिसमें इंसान को दखल सिर्फ यह है कि वो उन्हें समझे, उनका इदराक करे, उनकी तहों में उतरे, उनके फंक्शन को समझे, उनका इस्तेमाल करे, उनकी तस्खीर करे, उनसे फायदा उठाए। लेकिन यह सारा अमल जरूरी है कि अपने रब की मारिफत के साथ हो, अल्लाह की सिफात और अल्लाह की के अफाल और अल्लाह के अस्माए हुस्ना के फहम के साथ हो। ये वो ऐलान था जो एक इनकलाबी ऐलान था जिसने दुनिया के नक्शे को तब्दील करने का मंसूबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और आपके जरिए आपके सहाबा में उसको मुंतकिल किया गया। जो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ना शुरू हुए, मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा पहुंचे और मदीने मुनव्वरा से शाम और इराक पहुंचे और यमन पहुंचे और बहरेन पहुंचे और फिर आगे बढ़ते चले गए, पर्शियन एम्पायर पहुंचे, रोमन एम्पायर पहुंचे, मुल्क फतेह किए, तहजीबों को फतेह किया, तमद्दुनों को फतेह किया, उलूम की तथहीर की, नए उलूम अता किए, अल्लाह की मारिफत पैदा की और दलदल से इंसानियत को निकाला, जमजम से उन्हें नहलाया, पस्तियों से उठाया, सुरैया तक पहुंचाया, उनकी अकदार बलंद की, उनको आला अखलाक अता किए, हर जगह उनका इस्तकबाल हुआ और 100% लोग ईरान के मुसलमान हो गए, इराक के मुसलमान हो गए, सीरिया के मुसलमान हो गए, जहां सीरियन जबान बोली जा रही थी, जहां आशूरी जबान बोली जा रही थी, जहां फिनिकी जबान बोली जा रही थी, जहां पर्शियन कल्चर था, जहां पहलवी लिटरेचर था, जहां शाहनामे सिर्फ पढ़े जा रहे थे, जहां ग्रीक फिलोसफी थी, जहां हबुरबी के कानून थे, जहां की दुनिया कुछ और थी, वहां अल्लाह की मारिफत की दाग बेल डाल दी गई, वहां इंसानियत को दलदल से निकाला गया, नहलाया गया, धुलाया गया, तस्किया अता किया गया और उलूम रब्बानी से उस इंसान को नवाज दिया गया, नया मिशन दिया गया, नया रास्ता दिया गया, जुल्म और इस्तेहसाल का खात्मा किया गया, अदल और इंसाफ के निजाम को बर्पा किया गया, इंसानियत का सबक दिया गया, हर तरह के भेदभाव छूत छात को खत्म कर दिया गया, मुसावात पैदा की गई और मुवासात और गमखारी का सबक दिया गया और भूखे रहकर दूसरों का पेट भरने का सलीका सिखाया गया और नंगे रहकर दूसरों को कपड़ा देने का तरीका बताया गया, इसार के उसूल दिए गए, दुनिया ने नया सांस लिया, दुनिया को एक नई जिंदगी मिली, एक नई तहजीब से दुनिया रोशनास हुई,
स्पेन से लेकर चाइना तक, स्पेन से लेकर उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के शिमाल तक और मशरिक तक, और कहना ये चाहिए कि दुनिया की दो बड़ी एम्पायर, दो बड़ी सल्तनतें, दो बड़ी ताकतें सिमट कर एक अजीम शान ताकत के घेरे में आ गई, बल्कि उसकी आगोश में आ गई। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि मुकाबला करके शिकस्त मान ली, बल्कि इस्लाम की आगोश में आने को तरजीह दी। उनके इलाकों में 100% लोग हल्के इस्लाम में दाखिल हो गए, और इस तरह ये वो दीन था जो आगे बढ़ता चला गया। और 1100 साल तक यक कुतबी दुनिया इस्लाम की रही, यक कुतबी दुनिया इस्लाम की रही। इस्लाम ही पूरी दुनिया में सुपर पावर था, इस्लामी कानून था, इस्लामी निज़ाम था, इस्लामी अखलाक थे, इस्लामी तरबियत थी, इस्लामी फिक्र था, एक झंडा था, सारे बॉर्डर खोल दिए गए थे, एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान रुकावटें खत्म कर दी गई थी। एक इंसान चीन से सफर करता था और चीन से वो गुजरते हुए खुरासान और ईरान और इराक और शाम का और फिलिस्तीन का और फिर मिस्र का और लीबिया का और ट्यूनिस का और अलजजायर का और मराकश का सफर करते हुए स्पेन जाता था, और स्पेन से फिर वो आगे यूरोपियन ममालिक में जहां तक चाहे जा सकता था, और इसी तरह फिर वो स्पेन से नीचे उतर कर और मराकश से फिर चलता था, तो फिर वो बुखारा और समरकंद तक पहुंचता था। न पासपोर्ट की जरूरत थी, न वीजे की जरूरत थी, न कहीं परेशान किया जाता था, न झूठे टैक्सेस लिए जाते थे, नहीं न कहीं पर एक मुसाफिर को दुश्वारी पेश आती थी। सराय थी, मुसाफिर खाने थे, मुफ्त खाने का इंतजाम, मुफ्त रिहाइश का इंतजाम, और हर शहर के लोग घर वालों की तरह हर मेहमान का इस्तकबाल करने वाले, हर मेहमान की ज़ियाफ़त करने वाले, हर आने वाले का अदब और एहतराम करने वाले, एक ऐसा मुआशरा दुनिया को दिया गया था। ये इस्लामी तारीख है, जिस तारीख को खरोचा गया, मिटाया गया, बदनुमा किया गया, दागदार बनाया गया, जिसकी इब्तिदा स्पेन से हुई, जहां मुसलमानों ने इल्म दिया, यूनिवर्सिटीज दी, कॉलेजेस दिए, किताबें दी, और मेडिकल साइंस अता की, और एस्ट्रोनॉमी उनको अता फरमाई, तबियात का इल्म दिया और कीमियावियात का इल्म दिया। मुसलमानों के कॉलेजों से कलीसिया के फादर्स ने और वेटिकन के पोप्स ने तालीम हासिल की, और किताबों को अपने यहां मुंतकिल किया, और मखतूतात पे फख्र किया, और अरबी जबान बोलने पर उनको इज्जत महसूस हुई। एक दौर वो था, उनके डार्क एजेस थे और मुसलमानों के उरूज का दौर था, लेकिन उसके बाद जब 800 साल की हुक्मरानी के बाद स्पेन में उनको मौका मिला कि जिन्होंने आपस में हर दौर में लड़ाइयां की थी और रोमन एम्पायर की तहती में जिन्होंने गुलामों का खून चूसा था और उनको आग लगा कर दावतें खाई थी, इनकी तहजीब जालिमाना थी, इस्तेहसाली थी, और उस तहजीब के बारे में एक मुसलमान कह रहा ऐसा नहीं, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के मुसन्निफ के बयानात पढ़ लीजिए कि वो तस्वीर क्या खींच रहा है, और सासानियों की हुकूमत की तारीख पढ़ लीजिए कि ईरान में क्या मजालिम हो रहे थे, और इन मजालिम को किस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने दूर फरमाया, कैसे इंसानों को राहत अता की और आराम दिया। लेकिन जब दोबारा उनको मौका मिला तो दुनिया जानती है कि स्पेन में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया, और तारीख में वो मजालिम हुए हैं जो पूरी इंसानी तारीख में किसी दौर में किसी मुल्क में कहीं नहीं हुए थे। ये भी आप और सब जानते होंगे कि जिस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतेह किया, तो उस वक्त उसने किस तरह अदल इंसाफ के घनेरे साए में ईसाइयों को अपनी आगोश में लिया और जुल्म से लोगों को रोका, और जब ईसाइयों के हाथों में बैतुल मुकद्दस गया और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, तो उनका मौरख लिखता है कि घोड़ों के घुटनों तक और उनके ऊपर के पैरों के हिस्सों तक खून ऐसा नदी की तरह भरा हुआ था कि जिसमें घोड़े चल रहे थे और लाशें पड़ी हुई थी। ये उनका रवैया था,
और मुसलमानों का यह रवैया था। और इसी तरह तारीख में देख लीजिए कि मुसलमानों ने सारे मुल्क फतेह किए लेकिन सिवाय मुजरिम टोले के उनकी किसी से जंग नहीं हुई, कभी उनके खिलाफ आवाम का कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, कभी उनका टकराव सिविलियन से नहीं हुआ, कभी उन्होंने सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। बल्कि समरकंद जब उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में एक मुसलमान मुजाहिद ने फतेह किया और दावत पहले पेश करने से पहले फौजी कार्रवाई की तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दरबार में दमिश्क में शिकायत पेश की गई कि आपके फौजियों ने हमारे शहर पे हमला किया और हमें अपनी दावत से रूशनास भी नहीं कराया। तो फौरन ऑर्डर वहां से दिया गया मुस्लिम कमांडर्स को कि फौजों को शहर से वापस बुलाया जाए और शहर को पूरी तरह खाली कर दिया जाए। तो पूरी फौज ने शहर का तखलिया कर दिया लेकिन फौज जिस वक्त समरकंद शहर से बाहर निकल रही थी, समरकंद के अवाम उनके पीछे लपक रहे थे कि हमारी जो शिकायत थी सुन ली गई, अब हम सब के सब टोटली मुसलमान होते हैं। तो पूरा समरकंद का शहर एक वक्त में हल्का इस्लाम में दाखिल हुआ था। ये मुसलमान थे जिन्होंने अदल इंसाफ के फुरेरे लहराए और जिन्होंने खून से कभी खिलवाड़ नहीं किया और जिन्होंने जिस इलाके को फतेह किया वहां के लोगों तक अदल इंसाफ को पहुंचाने की जद्दोजहद की। और आप जानते हैं कि अगर एक वो दौर था जिससे मुसलमानों ने आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की थी और जिसकी बड़ी शानदार तर्जुमानी उन सहाबी ने की कि जो रुस्तम के दरबार में पहुंचे थे सफीर की हैसियत से, साद इब्ने अबी वक्कास कमांडर इन चीफ थे और रिबई इब्न आमिर एक कमांडर थे और सफीर थे। रुस्तम के पास जब वो पहुंचे थे और रुस्तम ने अपने तकब्बुर में और अपने गुरूर में उनसे ये कहा था कि जनाब कैसे आए, तो उन्होंने कहा था अल्लाह उब्तअसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन दीकिद दुनिया इला सियातिहा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। उन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह ने भेजा है, हम किसी लालच में नहीं आए, हम कुर्सी के लिए नहीं आए, हम तुम्हारा माल लेने के लिए नहीं आए, हमें अल्लाह ने भेजा है इसलिए कि तमाम इंसानों को इंसानों की बंदगी और गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर दें। और हमें इसलिए भेजा गया कि हम दुनिया की तंगी से निकाल कर दुनिया की भी वसअत अता करें, और इसलिए हमको भेजा गया है कि हम तमाम मजाहिब के जुल्म से निकाल कर इस्लाम के अदल व इंसाफ की बहार उन्हें दिखा दें, इसलिए हम आए। ये था वो मिशन जिस मिशन को लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के फिदाई और आपके शागिर्द और आपसे मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में फैले, जहां जहां तक वो जा सके इस पैगाम को लेकर गए। आज 18वीं सदी से जब दोबारा हमने अपने मकसद को फरामोश किया, हमने कुरान और सुन्नत को ताक़ी निसियां पर रख दिया, हम अपने असल मरकज़ से हट गए और हमने दूसरों की ग़ुलामी पर फ़ख्र महसूस करना शुरू कर दिया और हम अपनी तहजीब से महरूम हो गए, तो दोबारा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 12वीं सदी हिजरी और 18वीं सदी ईस्वी से वो दौर तारीख शुरू हुआ जिसमें सात समंदर पार से अंग्रेज़ों ने आकर कहीं बंगाल में सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और कहीं कर्नाटक में सुल्तान टीपू को शिकस्त दी और कहीं फिर 1803 में दिल्ली के लाल किले पर अपने झंडे लहराए और ये साबित कर दिया कि अब तुम्हारा दौर ख़त्म हुआ। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ये जो कुछ हुआ ये मुसलमानों की गफलत से हुआ, उनके इंतशार से हुआ, उनके तफरीके से हुआ। जो तालीमी मिशन अता किया गया था, जो दावती मिशन दिया गया था, उसको फरामोश करने के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। लेकिन 18वीं सदी और 19वीं सदी और उसके अवाखिर तक पहुंचते पहुंचते पूरे आलम इस्लाम में फिर से तहरीकात शुरू हुई और अंग्रेजों से लोग निबर्द आजमा होने शुरू हुए और होते होते 20वीं सदी के इब्तदाई हिस्से में, इब्तदाई दहाइयों में मुल्कों से अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया गया, हिंदुस्तान से उनको निकाला गया और मुल्कों से उनको निकाला गया। उनके उरूज का दौर जिसमें कहा जाता है कि उनकी सल्तनत में सूरज नहीं डूबा करता था, सिर्फ बहुत मुश्किल से 100 साल दौर, 1000 साल तक यक कुतबी दुनिया हमारी रही।
सौ साल का दौर अंग्रेजों का रहा और उसके उनके जवाल के बाद अमेरिका का दौर उरूज शुरू हुआ और ये दौर उरूज तकरीबन 19वीं सदी के आधे हिस्से के बाद से शुरू हुआ। लेकिन अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, सिर्फ 60-70 साल में अमेरिका बूढ़ा हो गया। आज अमेरिका जो यक कुतबी दुनिया का मालिक है, इसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो नेट पर तलाश कीजिए, डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, फॉल ऑफ अमेरिका, क्राइसिस ऑफ अमेरिका। जरा आप इनके जरिए से अमेरिका के बारे में अमेरिकन थिंकर्स और फिलोसफर्स और स्कॉलर्स के बयानात पढ़िए। 8 लाख के करीब बयानात अमेरिका के जवाल के बारे में नेट पर दर्ज हैं, जो अमेरिकन्स के हैं, मुसलमानों ने नहीं लिखे, अमेरिकन्स ने, वहाँ के थिंक टैंक ने, वहाँ के थिंकर्स ने, और वहाँ के मुस्तकबिल के बारे में अंदेशनाक और फिक्रमंद लोगों ने जो बयानात दिए हैं, उनके नज़दीक अमेरिका का दौर उरूज ख़त्म हो चुका है। जिस तरह सोवियत यूनियन की कब्र अफगानिस्तान के सहरा में बनी और उसका जवाल हुआ, 1990 तक पहुंचते पहुंचते मास्को में ऐलान किया गया कि कम्युनिज्म का जनाजा निकल चुका है। अब कम्युनिज्म दुनिया के दौर में अपना किरदार, दुनिया में अपना किरदार अदा करने के लायक नहीं है, और ये ऐलान मास्को से हुआ था। उससे एक दिन पहले तक कोई ये नहीं समझता था कि मास्को को शिकस्त इस तरह से तस्लीम करनी होगी और सोवियत यूनियन बिखर के रह जाएगा और उसके पेट से उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान और अजरबैजान और बहुत सी जमहूरियाएं पैदा होंगी जिनको हड़प करके उस अजदहे ने अपने पेट में रखा था, उसके अंदर से ये सारी जमहूरियाएं निकलेंगी। अगरचे वो भी अभी जिस दौर से गुजर रही है, ये दौर नकाहत है, ये बीमारी के बाद के असरात का दौर है, उसका भी जिक्र आपके सामने करूंगा। लेकिन बहरहाल सोवियत यूनियन का जनाजा निकल गया। आज जो शाम के तागी बागी मुजरिम जालिम बशारुल असद के पीठ के पीछे सोवियत यूनियन के बाकी मांदा लोग वीटो पावर इस्तेमाल करके 2 लाख मुसलमानों का खून दमिश्क की सरजमीन से हलब की सरजमीन और हमास की सरजमीन और शाम के चप्पे चप्पे पर बहा चुके हैं। अपनी गद्दी बाकी रखने के लिए एक मुजरिम अपने अवाम पर आसमान से गोले बरसा रहा है और 8-10 लाख शामी इस वक्त तुर्की में, उर्दुन में, लबनान में, दीगर मुल्कों में पनाह गुजीन बने हुए हैं और वहां पर शिया सुन्नी झगड़ों को फितना परवरों ने, बदकिमाशों ने, आवारों और बदमाशों ने खड़ा कर इंसानी खून को बहने के लिए तैयार कर रखा है, जिसमें ईरान का किरदार भी निहायत ही मुजरिमाना किरदार है, न वो सही, और सऊदीया का किरदार मिस्र में मुजरिमाना, शाम में मुजरिमाना और ट्यूनिस में और अलजजायर में मुजरिमाना रहा है। ये हुकूमतें फिलहकीकत उस दौर की बाकी मांदा एजेंसियां हैं, जो दौर जालिमाना था और इस्तेहसाली दौर था, जिस दौर ने डायरेक्ट तौर पर मुस्लिम मुल्कों को अपने हाथ में ले रखा था और जब उन्हें निकलने पर मजबूर होना पड़ा तो उन्होंने अपने एजेंट, अपनी एजेंट फौज, अपनी एजेंसी पुलिस की शक्ल में, अपनी एजेंसी वहां की मुखाबराती और इंटेलिजेंस के निजाम की शक्ल में, अपनी एजेंसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ल में, अपनी एजेंसी सियासी नुमाइंदों और गुर्गों और शातिरों और मक्कारों की शक्ल में छोड़ दी थी। और ये सारे मुजरिम 40-50 साल से आलम अरबी को दबोचे हुए, अवाम का इस्तेहसाल करते हुए मौजूद थे। वो चाहे कज़ाफी हो, चाहे बिन अली हो, चाहे हाफिजुल असद हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे हुस्नी मुबारक हो, चाहे अनवरुस सादात हो, इनमें कोई इस्लाम का मुखलिस नहीं था। ये सब इस्लाम के खिलाफ और इस्लामी तहरीकात के खिलाफ मुजरिमों के टोले के अफराद थे और इनके खिलाफ जब इस्लामी तहरीकात उठी और इनकलाबात बरपा हुए तो फिर जाहिर है कि जो बाकी मांदा एजेंसियां हैं उन्हें चैन से बैठना नसीब नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि इस इस्लामी इनकलाब को नाकाम करके रहना है, कि अगर ये उठ के आ जाता है तो फिर कहीं वो दौर जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया के सामने आया था, कहीं वो दौर वापस ना आ जाए।
लेकिन मेरे साथियों, अलीगढ़ के नौजवानों, मैंने ये बात नदवे में कही, देवबंद में कही, सहारनपुर में कही, हैदराबाद में कही, बेंगलोर में कही, मद्रास में कही, और आपके सामने भी कहता हूँ, डायरियों पर लिख लो कि अमेरिका का जवाल तयशुदा है, डायरी पर लिख लो कि दुनिया की जो ताकत एक दो दहाई से नहीं, दुनिया की जो ताकतें और दुनिया की जो सुपर पावर एक सदी दो सदी से पूरी दुनिया के इस्तेहसाल करने पर तुली हुई है, और जिसकी गर्दन पर अफगानिस्तान के 10 लाख मुसलमानों का खून है, और जिसकी गर्दन पर इराक के 8-10 लाख मुसलमानों का खून है, और जिसकी गर्दन पर 2-2.5 लाख मुसलमान शाम के मुसलमानों का खून है, और दसियों हजार मिस्र के मुसलमानों का खून है, जो भी इसमें शरीक है, जो जाहिर है और जो छुपे हुए हैं, इन सब का जवाल तयशुदा है, और इन सब का जवाल अब इस्लामी तहरीकात के जरिए होना है। और क्योंकि अब वो दौर आ गया, 40 साल ऐसे गुजरे थे कि हम लोग ये कहते थे कि अरबों को क्या हो गया, इनका माजी कहाँ गया, इनका जोश कहाँ गया, इनकी बहादुरी कहाँ गई, लेकिन अल्लाह का करना कि अल्लाह ताला ने उनको एक करवट नसीब फरमाई, और वहाँ का नौजवान उठ खड़ा हुआ कि हमारे सीने गोलियों के लिए हाजिर हैं, हम तुम्हारी गोलियाँ खाएंगे, हम तुम्हारे बमों को बर्दाश्त करेंगे, हम तुम्हारे जुल्म को सहेंगे, लेकिन तुम्हारी ताकतों को उखाड़ के फेंक देंगे, हम तुम्हें अब जिंदा रहने नहीं देंगे, अब हम तुम्हें इस मुल्क में अपनी हुकूमत को की रहने नहीं देंगे। ये वो फैसला था जिस फैसले ने ट्यूनिस की सरजमीन से बिन अली को उखाड़ा, ये वो फैसला था जिसने कज़ाफी को नाली में एक जलील मौत मरने पर मजबूर किया, ये फैसला था जिसने हुस्नी मुबारक को गद्दी से जेल में पहुंचाया, ये वो फैसला था जिसने यमन के अब्दुल्ला बिन साले को हटवाया, ये वो फैसला है जो बशार को मुल्क शाम से हटाएगा, ये वो फैसला है जो मुजरिम आले सऊद को सऊदिया से हटाएगा, और ये वो फैसला है जो मुझे कहने दीजिए कि अहमदी नजाद ईरान में थे तो हर वक्त इसराइल के खिलाफ ऐसे बयानात देते थे कि हम ये सोचते थे कि इसराइल इन पर हमला क्यों नहीं करता, उनकी तब्दीली कर दी गई, अब रूहानी अपनी ऐसी रूहानियत के साथ आए हैं जो इसराइल के हर झूठ को तस्लीम करने पर तैयार है, जो इस झूठ को भी तस्लीम कर रहे हैं कि जर्मनी में 6 लाख इसराइली को मारा गया, और हिटलर का जो जुर्म था, जो एक झूठ है, उस झूठ को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं, और जो अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं कि फासले खत्म किए जाएं और उसको बुलाया जाए कि हमारी न्यूक्लियाई पावर के बारे में आप हमारी हुस्न नीयत पर एतमाद करें, मुझे कहना है कि रूहानी साहब, ये बातें आपकी रूहानियत की नहीं है, यह आपकी मादियत परस्ती की बातें हैं, आप ईरान का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, ना ये ईरान मुसलमानों को अजीज, और ना ऐसा सऊदीया मुसलमानों को अजीज, ना वो मिस्र मुसलमानों को चाहिए जिसमें डकैत और जाहिलियत परस्त और इसराइल के एजेंट एक दुरुस्त हुकूमत को हटाकर एक टोले को मुसल्लत कर दे, और उसके बाद वहां के आवाम को नमाज पढ़ते हुए शहीद किया जाए और एहतजाज करते हुए गोलियों से भूना जाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा इसके खिलाफ है, पूरी उम्मत मुस्लिमा इसके खिलाफ है, और मैंने ये बात कई जगह कही, और इस पर कुछ ऐसे लोगों को नाम निहाद सलफी जो बनते हैं, जिनका कोई ताल्लुक सलफ से नहीं, कोई ताल्लुक बुजुर्गों से नहीं, उनका ताल्लुक मादियत परस्ती से है, उनका ताल्लुक हुकूमतों की एजेंसी से है, उनका ताल्लुक ताकत वालों और हाकिमों की पूजा से है, अल्लाह की पूजा और अल्लाह की इबादत को उन्होंने फरामोश कर दिया है, जो आज हुक्मरानों के बारे में मुसलमानों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं। और मेरे साथियों, ये तो बाहर की बातें हुई, इस मुल्क में जो लोग बात करते हैं सन 47 से 2013 तक मुसलमानों को जलील करके चमारों से बदतर करने वालों की, जिन्होंने अपनी सरकारी रिपोर्ट के जरिए से ये आईना आपको दिखाया है कि आप दलितों से बदतर हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि इंसानी आबादियों में सबसे निचला तबका दलित है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान उससे भी नीचे हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि आखिरी दर्जे के इंसानों से नीचे अब आप बकरियों और मुर्गियों की सतह पर आ चुके हैं। यह ऐलान खुद कांग्रेस करा रही है, यह ऐलान एक चीफ जस्टिस कर रहा है,
यह ऐलान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कर रही। अब उसके बावजूद अगर लोग फिर वापस उन्हीं से सहारा ढूंढते हैं और उन्हीं से मदद चाहते हैं और उन्हीं के सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं और ये समझते हैं कि मुल्क वही बचाएंगे, तो मैं समझता हूं उनसे बड़ा अहमक और उनसे बड़ा खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाला और उनसे ज्यादा मिल्लत को फरोख्त करने वाला कोई नहीं हो सकता है। और उसके बाद जहां तक ताल्लुक है बीजेपी का, बीजेपी तहजीबी और अखलाकी और सियासी तौर पर एक दिवालिया पार्टी का नाम है। और जहाँ तक मोदी का ताल्लुक है, जहनी तौर पर, तहजीबी तौर पर, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर उनको प्रोजेक्ट करना, बीजेपी की तरफ से उनको प्रोजेक्ट करना, यह इस मुल्क के दिवालियापन की अलामत है। जिसका मतलब यह है कि यह मुल्क क़यादत से खाली हो चुका है, इस मुल्क के पास अब शख्सियत नहीं रह गई, इस मुल्क के पास तवाज़ुन नहीं रह गया, इस मुल्क के पास मुस्तकबिल का नक्शा नहीं रह गया। और ये बात मैं अपने हिंदू भाइयों से गुफ्तगू करके उनसे डिस्कशन के बाद कह रहा हूँ। उनका ये कहना है कि लोग एक तब्दीली चाहते हैं और तब्दीली में मोदी को ला रहे हैं, लेकिन मोदी जब आएंगे तो हिंदुस्तान की तस्वीर और बिगड़ेगी और ख़राब होगी। ये बात हिंदू दोस्तों ने मुझसे खुद कही और बहुत से साथियों से इस मौजू पर गुफ्तगू हुई तो ऐसा लगता है जैसे हल के दरवाजे बंद हैं, लोग मायूस हो चुके हैं और मायूसी के आलम में किसी अल्टरनेटिव की तलाश में है और ये मुल्क का दिवालियापन है। मुझे बताइए कि 6वीं सदी ईस्वी में दुनिया जब बिल्कुल खाली थी और जालिमों को जुल्म करने और इस्तेहसाल करने का मौका था और अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को बरपा किया था और आखिरी नबी के ज़रिए से फिर ऐसे लोगों की तरबियत की गई थी जिन्होंने इस पूरे दुनिया को एक नए इनकलाब से रूशनास कराया था और एक नई तालीम दी थी और नए अखलाक दिए थे, नई तहजीब दी थी, नया तमद्दुन दिया था, नई हुकूमत दी थी। क्या वो इस दर्जे कलाश हो चुके हैं? क्या वो इस दर्जे अपनी तालीमात से महरूम हो चुके हैं कि आज के दौर की क़यादत संभालने के लिए वो आगे नहीं बढ़ते? जो काम उन्हें सौंपा गया था और 1000 साल तक उन्होंने पूरी दुनिया में जो काम किया और सिर्फ 200 साल 250 साल का बीच का अरसा है जिसमें कभी बरतानिया के अंग्रेज़ों ने अपनी कार्रवाइयाँ दिखाई और कभी अमेरिका कूद पड़ा और उसने अपनी कार्रवाइयाँ दिखाई, लेकिन बरतानिया जवाल का शिकार हो चुका, 40 और 50 की दहाई में वो जवाल का शिकार हो गया। उसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था, अब उसकी हुकूमत में सूरज तुलू नहीं होता, उसका तो यह शुरू हुआ। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपसे पूरी सफाई के साथ कहता हूं कि अंदर से अमेरिका दिवालिया हो चुका है। हर साल उसके 100-150 बैंक बंद हो रहे हैं, माशी एतबार से वो बिल्कुल कलेप्स हो चुका है। डॉलर को जो पोजीशन दी गई है ये सिर्फ एक जुआबाजी हो रही है और इस जुआबाजी में इसराइली लॉबी की पॉलिसियों को बड़ा दखल है। अंदर से माली एतबार से, इक्तिसादी एतबार से अमरीका खोखला हो चुका है और फौजी एतबार से उसका मॉरल गिर चुका है। फौजी एतबार से अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी मुल्क पर हमला कर सके और तालिबान से वो लड़ सके। अब वो तालिबान के मॉडरेट तबके को तलाश करके उनसे दोस्ती करना चाहता है और ये चाहता है कि अफगानिस्तान को इस हालत में छोड़े कि हामिद करजई न रहे तो कोई मॉडरेट तालिबानी मौजूद रहे जो उनकी नुमाइंदगी करे। उसे शिकस्त अफगानिस्तान में हो चुकी है, इराक में उसे शिकस्त हो चुकी है और अमरीका के अंदर स्टेट में अमरीका को हो चुकी है। फौजी मॉरल गिर चुका है, अखलाक तबाह हो चुके हैं, खानदानी सिस्टम और वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, माली एतबार से भी बदिया बैठ चुका है। एक बड़ा मुल्क है इसलिए उसकी हकीकत सामने आते आते देर लगेगी। जो मैं कह रहा हूं ये नहीं कि कल फौरन इसका नतीजा सामने आ जाएगा, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि अब मुस्तकबिल में अमरीका का दौर बाकी नहीं रहेगा। अब जाहिर है कि कौन सी कौम, कौन सी
उम्मत, कौन सी मिल्लत है जो दुनिया का चार्ज ले सकती है। जाहिर है कि मुसलमानों ने 1100 साल तक पूरी दुनिया का चार्ज लिया था और जिन बुनियादों पर लिया था वो बुनियादें अभी वैसे ही तरोताज़ा हैं, वैसे ही ताकतवर हैं, वैसे ही पुरजोश हैं, उनमें कहीं कोई कोहनगी नहीं है, कोई बोसीदगी नहीं है। कुरान वैसे ही ताज़ा है, हदीसें वैसे ही ताज़ा हैं, सीरत नबवी वैसे ही ताज़ा है, सीरत सहाबा और सीरत अहले बैत वैसे ही रोशन और ताबनाक है। कोई चीज़ भी खोई हुई नहीं है, सिर्फ उसे सामने लाना है और लोगों में उसको रूशनास कराना है। उसके लिए ए नौजवानान अलीगढ़, कभी आपके सामने सर सैयद ने कहा था कि हमें ऐसे नौजवान चाहिए, हमें ऐसे तलबा और स्कॉलर चाहिए जिनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस और जिनके सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह और जिन्होंने अपने मोनोग्राम में अल्लमा इंसान अल्लमा इंसान आलम यालम जो सबसे पहली वही कुरान पाक में कुरान पाक की उतारी गई आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में इनकलाब लाया गया, उसी की एक आयत करीमा अल्लमा इंसान मालम यालम को सर सैयद ने मोनोग्राम में दाखिल किया। अब अगर यहाँ के तलबा और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के वाइस चांसलर साहब और यहाँ के दीगर जिम्मेदार उस मोनोग्राम की दावत को और उस पहले प्रोग्राम को और मिशन को फरामोश कर दें तो ये सर सैयद का जुल्म नहीं है, उनका जुल्म है जो वारिस है इस यूनिवर्सिटी के। उनको चाहिए कि दोबारा इस यूनिवर्सिटी को अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार करें और चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी के तलबा और देवबंद के तलबा जिनको मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने जो सर सैयद के साथ मौलाना ममलूक अली के दोनों शागिर्द थे, मौलाना ममलूक अली सर सैयद के भी उस्ताद थे और कासिम नानोतवी के भी उस्ताद थे, जिन्होंने सर सैयद से पहले 1966 में दारुल उलूम कायम किया और इसलिए कायम किया था कि 1857 की जाहिरी नाकामी की तलाफी दारुल उलूम के नौजवानों के जरिए करवाई जाए। और फिर मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी ने 1888 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा बल्कि नदवतुल उलमा की तहरीक इसलिए कायम की थी कि देवबंद और अलीगढ़ के दरमियान पुल कायम कर दिया जाए, उम्मत के इन दो धड़ों को अलग न रहने दिया जाए, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जाए। और उन्होंने कहा था कि हम ऐसे नौजवान तैयार करना चाहते हैं जो खालिद इब्न वलीद, अबू उबैदा इब्न जर्राह और साद इब्न अबी वक्कास की यादें ताज़ा कर दें। उनका यह मिशन था, उनका वो मिशन था, इनका यह मिशन था, तीनों का मिशन यकसा था, तीनों इस उम्मत की बरतरी और बालातरी चाहते थे। इस उम्मत में पढ़े लिखे जानवर तैयार करना उनमें से किसी का मकसद नहीं था, एक तहरीकी और एक इनकलाबी शख्सियत को वजूद में लाना मकसूद था। आज का हिंदुस्तान और आज की पूरी दुनिया इस बात की मुंतजर है कि अलीगेरियन और देवबंदी और नदवी और जो जो उनके साथ आने के लिए तैयार हो, सब इस मुल्क में एक अवामी तहरीक शुरूर की बेदारी की, सियासी फिक्र की, मिल्ली तसव्वुर की और इस पूरी उम्मत की वहदत की एक ऐसी ज़बरदस्त तहरीक चलाएं जिसमें हर इंसान से, हर हिंदू से, हर मुसलमान से, हर सिख से, हर ईसाई से, हर बुद्धिस्ट से, हर छोटे और बड़े से बात करें, हर मर्द औरत से बात करें और ये बताएं कि हमारे पास आदिलाना निज़ाम है, बताएं कि हमारे पास इंसानियत का सबक है, बताएं कि हमारे पास अल्लाह की हिदायत है, बताएं कि हमारे पास नजात का इंतजाम है। ए लोगों, आओ हमारे साथ और इस मुल्क की नई तरह डालें और इसको नए रुख पर लेके चलें और इसको करप्शन से आज़ाद करें और इसको जालिम हुक्मरानों से निकालें और उन पार्टियों से इसको आज़ाद करें जिन्होंने इसको यरगमाल बना रखा है और जिन्होंने इसका इस्तेहसाल इतना कर दिया है कि अब इसके अंदर दम बाकी नहीं रह गया है, लोग मायूस हो गए हैं और ऐसे मुतबादल तलाश करने में लगे हुए हैं जो खुद दिवालिया हैं, जिनके जहन दिवालिया, जिनकी पॉलिसियां दिवालिया हैं। ऐसे मौके पर अगर उनके दरमियान से कुछ नौजवान उठ रहे हैं और लोगों में सदा लगा रहे हैं, हालांकि उनका माजी तारीख है, उनके तजुर्बे मायूस कुन हैं और उनकी तारीख में कहीं कोई ताबनाक पहलू नहीं है, तो ए मुसलमानों, ए उम्मत मुस्लिमा के फर्जंदो, ए सर सैयद के वारिसो, ए कासिम
ननोत्री और मूंगेरी के जानशीनों, तुम्हें क्या हो गया? तुम आखिर क्यों नहीं उठते अपनी उस आलमगीर तहरीक को लेकर और गांव गांव करिए करिए क्यों नहीं जाते? तय कर लो कि 2 महीने 3 महीने इसी में सर्व करने हैं ताकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले मुल्क में एक नए निज़ाम की फिजा हमवार हो जाए और वो नया निज़ाम इस मुल्क को करप्शन से, जुल्म से और इस्तेहसाल से आज़ाद करके इसकी नाव को साहिल से लगा दे और इसकी मुसीबतों से इसको नजात दे, इस मुल्क में अमन कायम करे, सलामती कायम करे, भाईचारा कायम करे, मोहब्बत की गंगा और जमुना बहाए और इस मुल्क को दोबारा अजमत रफ्ता अता कर दे। एक ऐसी टीम को उठना चाहिए, काम लेकर चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यह जलसा एक अमली और तहरीकी नतीजा खेज जलसा बनेगा और अल्लाह इसको कबूलियत से नवाजेगा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।